तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टूडेंट स्ट्रगल इन कनाडा की। तो आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि मैं कुकिंग करता हूँ और कर सकता हूँ और बनाने वाला हूँ राजमा, ठीक है। तो मैंने बेसिकली पहले ही भिगो के रखे हैं इतने सारे। आप लोग बोलोगे कि हफ्शी है क्या, तो नहीं भाई, काइंड ऑफ दो दिन के बना के रख देते हैं एंड यहाँ पर सब्ज़ी ख़राब नहीं होती। और अभी इतने सारे प्याज मैंने काट लिए हैं, टमाटर काटता हूँ, उसके बाद इसको रेडी करते हैं बनाने के लिए। एंड ज़्यादा मुश्किल तो मुश्किल मेरे हिसाब से आधे घंटे में सब्ज़ी बन जाएगी। और सारी मतलब देखते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ना बेसिकली ये वाले चूल्हे होते हैं। तो अभी ये जज मत करना कि गंदा पड़ा है, गंदा नहीं पड़ा वो, उसको अभी सब्ज़ी हर मीत में आई तो इसलिए थोड़ा गंदा हो गया। इसमें तेल डाल दिया, इसमें राजमा सीटी सीटी लगेगी 4-5, फिर वो तड़का रेडी रखेंगे। टमाटर काट लेता हूँ इतने गाइस, और फिर आपको दिखाता हूँ मैं। 2 सीटी आ चुकी है, प्याज भी लगभग भुन चुके हैं, लगभग 4 से 5 सीटी मैं मरवाऊँगा इसमें बस में, ठीक है। एंड राजमा उबल जाएंगे बस। ये है, ये देखो तीसरी भी आ गई है, और इसके बाद 2 रहेगी एंड उसके बाद हमारे राजमा लगभग बन के रेडी हो जाएंगे। बस तड़का रह गया वरना। अब तड़का बन चुका है, ठीक है, और बहुत तगड़ी खुशबू आ रही है इसमें, ठीक है। और राजमा भी उबल चुके, मतलब सिट्टी मार चुके हैं। तो बस तड़के में मिक्स करके एंड 1 सिट्टी और बाद जर हमारी सब्ज़ी हो गई रेडी। आफ्टर द डेडिकेशन ऑफ हाफ एन आवर हमारे राजमा रेडी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पूरे रेडी हो चुके हैं। अभी इसको मैं ठंडा होने देता हूँ, थोड़ी देर में खाऊंगा, सुबह काम पे जाना है। अभी थोड़ा मैं टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे निकाल के रख लिए थे, पर अभी मैं काम पे जाने के लिए इसको एक कटोरी में, अभी नमक वगैरह थोड़ा कम है तो एडजस्ट कर दूंगा। आज बहुत अच्छा वाला, जब मैं डाउनटाउन से वापस घर आ रहा था तो मेरे को रेंडमली आवाज़ आई करण एंड सब्सक्राइबर ने आवाज़ मारी थी एंड आई वाज लाइक कि देखा देखा लग रहा बंदा, और वो कमेंट करता था हर वीडियो पर, जयदेव शोरन करके नाम है उसका। तो काफ़ी अच्छा लगा एंड फेल्ट वेरी प्राउड। एंड सिद्ध मूसे वाले की लाइन है ना कि बापू तेरा बड़ा है प्राउड तेरे थे, तो वो चीज़ थोड़ा हुआ कि हाँ, कि कल वो घर वाले फ़ोटोज़ देखेंगे तो उनको भी थोड़ा प्राउड होगा कि मैं थोड़ा रिकॉग्निशन मिल रही है, फेम मिल रहा है एंड आई एम गेटिंग, यू नो, आई एम गोइंग। कभी कभी ये चीज़ें ना रियलाइज़ कर देती कि यू आर गोइंग ऑन अ गुड पाथ, आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो और बहुत सही जा रहे हो। तो थैंक यू गाइज फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो जो लोग मिलते हैं बहुत खुशी मिलती होती है, बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत अच्छा लगता है। और मेहनत करने का मन करता है जब आप लोग तारीफ़ करते हो सामने से, जब आप लोग पहचानते हो तो, और मेहनत करने का मन करता है डेडिकेशन के साथ। तो ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। टिल देन डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, डोंट ट्रबल योर मॉम एंड डैड, जस्ट बिलीव योर सेल्फ एंड वन डे यू विल अचीव योर डिजायर्ड गोल्स। ये अरमीत का पजामा बनाया, धोए कपड़े ये सुखा देता है। तो डू व्हाट एवर यू वांट टू, जस्ट डू नॉट ट्रबल योर मॉम एंड डैड, अचीव योर डिजायर्ड गोल्स, हैव एम इन योर लाइफ, सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। सो गाइस, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।